नमस्कार, अगर आपने अभी तक अपनी फास्टैग केवाईसी अपडेट को पूरा नहीं किया है तो जल्दी कर लें। आपको बता दें कि फास्टैग केवाईसी अपडेट का आज यानी 29 फरवरी 2024 को आखिरी दिन है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI और RBI के दिशा निर्देश के मुताबिक फास्टैग केवाईसी अपडेट ना करने पर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। बता दें कि NHAI का मकसद देश भर में वन व्हीकल वन फास्टैग का है। वन व्हीकल वन फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने और टोल प्लाजा पर व्हीकल्स की फ्री मूवमेंट के लिए NHAI का एक इनिशिएटिव है। इसका एम एक व्हीकल के लिए एक ही फास्टैग के इस्तेमाल को बढ़ाना और कई व्हीकल्स के लिए एक ही फास्टैग के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। अथॉरिटीज ने पिछले महीने ही डेडलाइन को बढ़ाकर 29 फरवरी किया था। इससे पहले फास्टैग केवाईसी अपडेट की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2024 थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर आपके अकाउंट में जरूरी बैलेंस है लेकिन केवाईसी अपडेटेड नहीं है तो फास्टैग डीएक्टिवेट या ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। हालांकि खबर ये भी है कि NHAI इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च कर सकता है। दरअसल RBI की सख्ती के बाद पेटीएम फास्टैग यूजर्स को डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के सामने आने वाली परेशानियों से शुरू होने वाले मुद्दों को हल करने की अनुमति देने के लिए डेडलाइन को बढ़ा सकता है। हालांकि अगर तारीख बढ़ भी जाती है तो भी आप आज ही इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। केवाईसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले उस बैंक या अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं जिसने आपका फास्टैग जारी किया है। इसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद माई प्रोफाइल सेक्शन पर जाएं, फिर KYC पर क्लिक करें और बाकी के सभी जरूरी डिटेल्स को भरकर KYC को कंप्लीट करें। तो अभी अपना KYC अपडेट करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।